आज मैं ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये चार चार फंदे का डिज़ाइन है, बीच बीच में जो गैप रखा हुआ है ये भी चार चार फंदे का रखा हुआ है। ये डिज़ाइन बन के ऐसा लगता है मैंने इतना बना के रखा है। बैक साइड में ऐसे दिखता है, इसमें चार चार फंदे का ही है डिफरेंस। ये कैसे उतारना है, तीन चार, इसमें क्या करना है, धागा अरे परे करने का ही है। इसमें भी ये फंदे अरे परे करने का है। ये देखो ये डिज़ाइन एक बार ऐसे अंदर को जा रहा है, फिर बाहर को निकल रहा है, फिर अंदर, फिर बाहर को, फिर अंदर, ऐसे निकल रहा है। ऐसा लगता है बन के ऐसे बनता है ये। ये देखो यहाँ से इस फंदे को यहाँ ले जाना है और इसको ऐसे ही बनाना है। ये वाले फंदे को परे ले जाने के लिए इसको यहाँ से लेना पड़ेगा ऐसे, 1 2 3 4। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, ये फंदे बाहर निकालने का है ऐसे, ऊपर से ऐसे, फिर इसको ऐसे बनाने का है। यह रिक आ गया। अब इसको यहाँ से लेना है ऐसे और यहाँ से इसको बनाना है। जैसे देखो ये अरे परे जो बाहर वाला है जो दोनों अंदर आ गया, एक सिलाई कंप्लीट हो गया। ये डिज़ाइन चार सिलाई का है, चार सिलाई में ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। ये एक सिलाई ये हो गया, दूसरे सिलाई में ये ऐसे ही बनाना है, चार चार पुट्ठा, चार सीधा, चार पुट्ठा, चार सीधा, चार पुट्ठा, चार सीधा। ये दो सिलाई कंप्लीट हो गया। अब तीसरा सिलाई में एक ऐसे उतार दिया, 1 2 3 4, फोर ऐसे बनाया। जो बाहर को किया था वो अंदर करना है। अब बाहर को उसको अंदर करना है। ये क्लोज़ हो जाता है, देखो यहाँ पे तीन सिलाई में क्लोज़ हो रहा है। तीसरा में तीसरा में क्लोज़ हो गया, तीन सिलाई में क्लोज़ हो रहा है। ये चौथा सिलाई आ जाएगा, फिर दोबारा शुरू होगा डिज़ाइन। ये चौथे में जैसा है वैसे ही बनाना है, चार पुट्ठा, चार सीधा, चार पुट्ठा, चार सीधा, चार पुट्ठा, चार सीधा। चार चार सिलाई में ये डिज़ाइन बन के तैयार है। एक डिज़ाइन, ये एक डिज़ाइन बन गया, एक डिज़ाइन। ये बन के ऐसा लगता है,